फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, जो कि जल्दी बाल जो बच्चों के या युवाओं के सफेद हो जाते हैं, उस पर बताना चाह रहा था। लेकिन पोल पर आप लोगों ने जिस सब्जेक्ट को वोट ज्यादा दिए वो ये है, तो बहुत ज्यादा वोट दिए, इनफैक्ट 40% से अधिक, 800 वोट्स में से। तो आप लोग ये जानना चाहते हैं कि यदि ड्रॉप लग जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है मेडिकल करियर में। ड्रॉप आपके तीन स्टेजेस पर लग सकते हैं। एक तो यूजी नीट, ठीक है, मतलब कि आपको एमबीबीएस में प्रवेश करना है या कोई भी दूसरी ब्रांचेस आयुष वगैरह की, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के समय ड्रॉप, मतलब कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, जैसे कि एमबीबीएस कर लिया, एंड नाउ यू वांट टू डू एमडी और एमएस, विच इज अ मस्ट नाउ नाउ डेज, ठीक है। तो अब इसमें भी ड्रॉप लग जाता है लोगों का। और तीसरा, आजकल जो एमबीबीएस की फील्ड में है वो डीएम और एमसीएच के पहले ड्रॉप लगता है। तो मैंने बहुत सारे मेरे इर्द गिर्द के जो मेरे दोस्त हैं उनमें से बहुतों को देखा है कि ड्रॉप्स लेते हुए। और यूजी नीट की जहाँ तक बात है, तो आप थर्ड अटेम्प्ट तक यदि एमबीबीएस में सेलेक्ट हो जा रहे हैं तो ये वेल एंड गुड माना जाएगा। फोर्थ पर बहुत ही रेयर लोगों को मैं देखता हूँ फोर्थ अटेम्प्ट पर आते हुए अंदर, और क्वाइट लेट हो जाता है फोर्थ अटेम्प्ट तक। तो बेहतर होगा कि आप तीन अटेम्प्ट तक अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दीजिए और उसके फिर बैकअप प्लान दूसरा चेंज कर लीजिए वन। और यदि आपने तीसरे अटेम्प्ट तक आए हैं आप, तो कोई भी करियर में डेंट नहीं पड़ेगा आपके, एक फर्स्ट अटेम्प्ट वाला हो या थर्ड अटेम्प्ट वाला हो, बस आपकी एज आपकी थोड़ी सी ज्यादा होगी, उससे उसके अतिरिक्त आपके करियर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले से कहीं आगे चलकर निकल जाएं एज ए डॉक्टर। दूसरा, आपने एमबीबीएस कर लिया, नाउ अब आप एमडी या एमएस करना चाहते हैं, ठीक है। एमडी या एमएस के समय भी काफी लोगों के एक या दो ड्रॉप लग जाते हैं। मेरे कई बैचमेट्स के ड्रॉप लगे, उनमें से ऐसे बैचमेट्स मैं जानता हूं जो लोग की थर्ड अटेम्प्ट में एमडी या एमएस में सेलेक्ट हुए, लेकिन मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था और वो थर्ड अटेम्प्ट में हुए, लेकिन वो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर कर रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल्स में दुनिया के, और बेहतर मतलब डीएम एमसीएच उन्होंने आगे कर लिया, आगे लगातार पढ़ते रहे। तो ऐसा नहीं कि वो कोई थर्ड अटेम्प्ट था, ठीक है, उस बीच वो जॉब तो कर ही रहे थे ना कुछ कर रहे थे, ठीक है। तो एमबीबीएस जब आप कर लेते हो तो एक्चुअली में एमडी और एमएस जब आप कर रहे होते हो तो आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है, जो कि इंडिया में देखें तो डिफरेंट स्टेट्स में लगभग 60,000 रुपये महीना है और दिल्ली वगैरह में 90,000 महीना से ऊपर है। तो आपको एक तरह का ये एजुकेशन भी है और साथ ही साथ में आपकी जॉब भी है, ठीक है, और अच्छा खासा ठीक ठाक पेमेंट वाला जॉब है। तो इसलिए इतना चिंतित होने की बात नहीं है ड्रॉप को लेकर। हाँ, ड्रॉप ना हो ये कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी एज तो ज़्यादा बढ़ती जाती ना, तो फाइनल सेटलमेंट का जो एज है वो बड़ी होती। लेकिन ये नहीं है, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह फील्ड में मैंने सुना है या एमबीए वगैरह में, कि आप यदि करने के बाद कुछ भी नहीं करते हो, ना जॉब ज्वाइन कर रहे हो ना कुछ और कर रहे हो, तो उसको एक निगेटिव थिंग माना जाता है। मेडिकल प्रोफेशन में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप ड्रॉप लेकर यदि फिर जॉब करना चाहते हो, जॉब में आना चाहते हो, तो उसके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। और सिर्फ ड्रॉप लेकर आप पीजी में किसी भी तरह सेलेक्ट होना चाहते हो तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। और आप यदि एमडीएमएस कर लेते हैं, फिर आपको डीएम और एमसीएच में प्रवेश लेना होता है। तो डीएम एमसीएच में प्रवेश भी आजकल तो लोग बहुत लेट लेट भी करते हैं, 6-7 साल बाद एमडी करने के डीएम और एमसीएच में एंट्रेंस में निकाल कर लोग जाते हैं। कुछ लोग 10 साल बाद भी देखे हैं, कुछ लोग इमीडिएटली जाते हैं, तो क्योंकि इस बीच वो अर्न कर रहे होते हैं, अपने एमडी एमएस डिग्री से तो अर्न कर ही रहे होते हैं, तो इसलिए अर्निंग सोर्स के रूप में वो बुरा नहीं होता। और फिर डीएम एमसीएच में भी उनको कुछ पैसा मिल रहा होता है, कुछ क्या, अच्छा खासा मिल रहा होता है, लगभग 80-90 हज़ार, 1 लाख तक जाता है। तो इस लिहाज से देखें तो मेडिकल प्रोफेशन में ड्रॉप लेने की वजह से आपका करियर फिनिश ऑफ नहीं होता। हाँ, आप लेट होते हैं, इस वजह से ड्रॉप लेना कोई भी नहीं चाहेगा कि आप ड्रॉप होकर हर जगह टप्पे खा कर जाएं, लेकिन यदि हो जाता है तो बहुत दुखी होने की बात नहीं, अगले अटेम्प्ट को बेहतर ढंग से दें। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो आप लोगों को शायद काम आए आपको विजन, अपना विजन बनाने में, ठीक है। थैंक यू।